अवैध वसूली का अड्डा बना सोनपुर मेला का सुलभ शौचालय, क्या यही है विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला? विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में नगर पंचायत के द्वारा जगह जगह पर बनाए गए सुलभ शौचालय, जहां मेलार्थियों को स्नान करने व शौच मूत्रालय के लिए आम जनता को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन आम जनता से मनमाने तरीके से पैसा लिया जा रहा है। हर शौचालय में मूत्रालय फ्री है, शौचालय का 5 रुपए और नहाने और शौचालय का 10 रुपए है, लेकिन यहाँ मूत्रालय मुफ्त होने की जगह 5 रुपए देने पड़ते हैं और शौचालय का 10 रुपए लिया जा रहा है, जो कि सरासर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बहुत सी महिलाएं व पुरुष मूत्रालय उसी के बगल में कर रहे हैं, क्या यही स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है? इस तरफ सरकार खुले में शौच नहीं करने के लिए विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरे तरफ शौचालय और मूत्रालयों के लिए अवैध रूप से पैसे ले रही है। क्या इस बात की जानकारी नगर अध्यक्ष या नगर कार्यपालक पदाधिकारी को नहीं है? बाथरूम जाने का। अच्छा, टॉयलेट के लिए गए थे जी, जी, जी। टॉयलेट के लिए, टॉयलेट के लिए आपसे 10 रुपया टॉयलेट के लिए, टॉयलेट जिला से आए हैं, शिवर से आए। अच्छा, आप शिवर, क्या नाम है आपका? सुबोध शर्मा। आप भैया? प्रदीप कुमार, सिवान जिला। आप? हम सारण जिला। आप कहाँ से हैं? समस्तीपुर। आप कहाँ से हैं? गोपालगंज से। हम तो सीधा आगे निकल रहे थे जी, जी। फिर हमको वहाँ से बुलाया गया है जी। कि पैसा दीजिए है काउंटर पे जी। तो मैं 10 रुपया काउंटर पे दे करके तो आगे बढ़ा।